हेलो, वेलकम टू एनएनएमएस एसएससी हेल्पर्स। आज से हम इंग्लिश सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंग्लिश सेक्शन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वोकैब सेक्शन को। इंग्लिश में दो सेक्शन होते हैं, एक वोकैब सेक्शन और दूसरे सेक्शन में हम चैप्टर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर्स में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और वोकैब में हम पढ़ते हैं। वोकैब में हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड्स। इसके साथ साथ हमारे पास होते हैं एंटोनेम्स, सिनोनेम्स और उसके साथ साथ कुछ हम रूट वर्ड्स देखेंगे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश में वोकैब में। ठीक है, और उसके अलावा पैरानेम्स, होमोनेम्स भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस को। ठीक है, तो हम इसमें डेली आपको 20 एडियम्स एंड फ्रेजेस कराएंगे। एक पार्ट में 20 एडियम्स एंड फ्रेजेस होंगी और आप आसानी से 10-12 मिनट में उसको कवर कभी भी कर सकते हैं। दिन में जब भी टाइम लगे आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एडियम्स एंड फ्रेजेस होती क्या है। ठीक है, एडियम्स वही हैं आप जिनको बोलते हैं मुहावरे। ठीक है, मतलब जिनका मीनिंग दिखता कुछ और हमें हमारे पास उसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो कोई अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, बल्कि उसका अलग मीनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं। तो दो दो एक जो भी वर्ड होता है उसके दो मीनिंग होते हैं। जैसे हमने बोला कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है, इसका मतलब एक तो ये हुआ कि वो अपने पैर पर एक्चुअली कुल्हाड़ी मार ही रहा है और दूसरा हमारे पास मीनिंग हो रहा है कि वो अपने ही काम को बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो जो अपने ही काम को बिगाड़ रहा है इसको हम बोलते हैं फिगुरेटिव मीनिंग। मतलब जो वर्ड्स हैं उनका जो एक्चुअल मीनिंग है वो नहीं है, बल्कि उसका कुछ और ही मतलब निकल रहा है। ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं एडियम्स। और हमारे एडियम्स के जो मीनिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, फिगुरेटिव होते हैं। और जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो हमारे पास लिटरल मीनिंग होता है, वो जो वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है उसको हम लिटरल मीनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम आज के 20 एडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट कर रहे हैं और उनके मीनिंग्स और एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास अबोव बोर्ड। ठीक है, अबोव बोर्ड का क्या मतलब हुआ? अब इसके आप अगर मीनिंग देखें, ठीक है, अगर मीनिंग देखें तो लिटरल मीनिंग तो हमारे पास ये हुआ कि बोर्ड पर कुछ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग हमारे पास इडियम में ये नहीं होता। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है हमारे पास, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यानी जैसे हमने बोल दिया कि यार सब कुछ बोर्ड पर है, ठीक है, यानी सब कुछ सामने ही है। ठीक है, तो सामने क्या होता है, जब कोई बंदा ऑनेस्ट होता है तभी तो सब कुछ सामने और वो ही तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अबोव बोर्ड का मतलब क्या हुआ, ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ सामने ही है आपके बोर्ड पर तो वो इंसान कैसा हुआ, ऑनेस्ट ही तो हुआ। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, दिस गवर्नमेंट इज नोन फॉर इट्स अबोव बोर्ड कंडक्ट। ठीक है, इस गवर्नमेंट को अबोव बोर्ड मतलब ऑनेस्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी आप बोल सकते हैं, तो इसके ऑनेस्ट कंडक्ट के लिए इस गवर्नमेंट को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्यूरी द हैचेट। हैचेट का मीनिंग होता है जो हम जिसको बोलते हैं कुल्हाड़ी। ठीक है, तो अगर हम कुल्हाड़ी को दबा दें तो क्या हो जाएगा, तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कुल्हाड़ी को दबा रहे हैं तो क्या हुआ, शांति हो गई, झगड़ा खत्म हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, टू मेक पीस। ठीक है, या फिर इसको इसका एक और मीनिंग इसको हम बोल सकते हैं एंड द क्वेरल। ठीक है, एंड द क्वेरल या फिर बिकम फ्रेंडली। ठीक है, सबका एक ही मीनिंग है। ठीक है, बिकम फ्रेंडली मतलब मोटो हमारा क्या हुआ कि हमने कुल्हाड़ी दबा दी तो क्या आ गया, पीस आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास होता है टू मेक पीस। वी नीड टू ब्यूरी द हैचेट टू ब्रिंग अबाउट हैप्पीनेस। तो हमें हैप्पीनेस के लिए क्या करना होगा, हैचेट यानी आपसी झगड़े को खत्म करना होगा। ठीक है, सो हमारे पास इस एडियम फ्रेज का मीनिंग क्या हुआ, टू मेक पीस। ठीक है, यानी शांति बनाने यानी झगड़ा खत्म करना। ठीक है, आगे चलते हैं, ब्रेक द आइस। ठीक है, ब्रेक द आइस का मतलब होता है हमारे पास कि
टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर ए प्रोलॉन्ग साइलेंस, मतलब काफी देर तक कुछ लोग हैं जो बैठे हैं, ठीक है, उनमें कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है, और कुछ देर बाद ये बंदा बोलता है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसने, इसको हम बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्रेकिंग द आइस, मतलब काफी समय तक चुप रहने के बाद कोई बोलने की शुरुआत करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग द आइस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई ब्रोक द आइस बाई सजेस्टिंग सम चेंजेस इन द प्लान, कि मैंने जो प्लान में कुछ चेंजेस बताकर हमारी जो बातचीत बंद हो गई थी उसको फिर से शुरुआत किया। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, टू स्पीक आफ्टर प्रोलॉन्ग टाइम, यानी काफी समय बाद दोबारा से बातचीत शुरू करना, ठीक है। इसका मतलब यानी आइस, ब्रेकिंग द आइस क्या हुआ, टू स्पीक आफ्टर प्रोलॉन्ग साइलेंस। नेक्स्ट देखते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब बिखरे हुए दूध पर क्या रोना, ठीक है, तो यानी अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो टू रिग्रेट यानी पछताना, ठीक है। यस आई मेड, वी मेड ए मिस्टेक, बट देर इज नो पॉइंट ऑफ क्राइंग, अब चिल्लाने से, अब ऐसे करने से, अब रिग्रेट करने से, अब पछताने से क्या फायदा जब हमने गलती कर ही दी है, ठीक है। तो क्राई ओवर द मिल्क, जब अगर दूध, घर में दूध बिखर जाए तो उसके बाद चिल्लाने से क्या फायदा, ठीक है, उसके बाद तो वो दूध वापिस आएगा नहीं, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिग्रेट करना, ठीक है। तो खेद करने से कोई फायदा नहीं, क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क मतलब अब दूध बिखर गया है, ओके। तो इसका एक्चुअल मीनिंग हमारे पास होता है टू रिग्रेट और रिपेंट, तो मतलब खेद करना, ठीक है, तो खेद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, खेद करना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास स्नेक इन द ग्रास, अगर घास में स्नेक छिपा हुआ हो तो वो हमारा कैसा दुश्मन है, हिडन इनेमी, ठीक है, यानी छुपा हुआ दुश्मन है, यानी सीक्रेट इनेमी है, ठीक है। आई वॉज बिट्रेड बाई माई फ्रेंड हु वॉज ए स्नेक इन द ग्रास, तो मुझे मेरे दोस्त ने धोखा दिया जो कि एक हिडन इनेमी था, यानी कैसा इनेमी था, सीक्रेट इनेमी, जो मेरे साथ रहता था लेकिन उसका मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो स्नेक इन द ग्रास क्या हुआ, हिडन इनेमी यानी छुपा हुआ दुश्मन, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि घास में अगर छुपा हुआ सांप है तो वो हमारा छुपा हुआ ही हिडन इनेमी है, ठीक है, सीक्रेट इनेमी है, ठीक है। आगे देखते हैं, विंडो शॉपिंग, अगर हम किसी दुकान में जाएं और बाहर जो भी उसमें सामान लगे हुए हैं, जैसे कपड़े लगे हुए हैं, ठीक है, और उन कपड़ों को देख देख कर आ जाएं, ठीक है, यानी आए और यहाँ पे कपड़े देख कर निकल गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विंडो शॉपिंग, मतलब टू लुक एट द आइटम्स डिस्प्लेड इन द शोकेस, ठीक है, शोकेस में दिखाए हुए आइटम्स को देख कर आ जाना और कोई भी खरीदारी ना करना, ठीक है। यस्टरडे वी, एग्जाम्पल देखते हैं, यस्टरडे वी डिड नॉट बाई एनी थिंग, इट वॉज जस्ट ए विंडो शॉपिंग, ठीक है, तो हमने कल कुछ नहीं खरीदा, ये केवल हमने केवल वो चीजें देखी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ विंडो शॉपिंग का, कि जो डिस्प्लेड चीज है शोकेस में उनको देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अपहिल टास्क, अपहिल टास्क का मतलब क्या हुआ, कोई पहाड़ी है, ठीक है, उस पे चढ़ना है, यानी अपहिल, वी आर गोइंग अप ऑन ए हिल, तो ये काफी मुश्किल काम होता है, तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अपहिल टास्क का मतलब हम कैसे समझ सकते हैं कि वो कोई मुश्किल काम है, यानी डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। सो हैकिंग ऑफ एग्जाम्स यूजिंग रिमोट सर्वर सॉफ्टवेयर, कि आजकल जो रिमोट सर्वर सॉफ्टवेयर से एग्जाम्स हैक हो रहे हैं, हैज बिकम एन अपहिल टास्क फॉर फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स, तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है, यानी बहुत डिफिकल्ट टास्क है फेयर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है, फेयर एग्जाम कंडक्ट, यही आजकल का सीन भी चल रहा है, ठीक है। सो अपहिल द टास्क, क्या मीनिंग हुआ इसका, डिफिकल्ट टास्क यानी कोई मुश्किल काम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, येलो प्रेस, जब येलो प्रेस का हमारे पास मीनिंग होता है न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर या कोई मीडिया जो पब्लिश कर रहा है सेंसेशनल न्यूज, या फिर हम इसको, ये एक अमेरिकन टर्म है जिसका जिसको यूज करते हैं किसके लिए, कि कुछ मीडिया होते हैं या न्यूज़पेपर होते हैं जो क्या करते हैं कि बिना कुछ लॉजिक के ही खबर को छाप देते हैं, ठीक है, उनके पास उनका कोई खास लॉजिक नहीं होता और उन्हें कोई खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, तो भी उस खबर को वो
छाप देते हैं, तो ऐसे न्यूज़पेपर को हम क्या बोलते हैं, येलो प्रेस। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जो सेंसेशनल न्यूज़ जो पब्लिश करता है न्यूज़पेपर, जो जिसका कोई ठोस तथ्य नहीं है, उस ऐसी न्यूज़ अगर कोई न्यूज़पेपर पब्लिश करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस न्यूज़पेपर को, येलो प्रेस। ठीक है, तो येलो प्रेस का मीनिंग हुआ वो न्यूज़पेपर जो पब्लिश करता है सेंसेशनल न्यूज़। सो एग्जाम्पल है हमारे पास, टू बिकम पॉपुलर मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर हैज बिकम येलो प्रेस। तो आजकल पॉपुलर होने का ये तरीका है कि फेक कुछ भी सेंसेशनल न्यूज़ आप अपने अखबार में छापो, लोग उसको दौड़ दौड़ कर पढ़ेंगे और आप क्या हो जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे। तो येलो प्रेस का हमारे पास जो मीनिंग हुआ, हमारा मोटो है मीनिंग जानने का, तो मीनिंग हमारे पास क्या है, वो न्यूज़पेपर जो सेंसेशनल न्यूज़ पब्लिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पुट हेड्स टुगेदर। ठीक है, जैसा कि आपने टीम में देखा होगा, कभी भी मैच होता है तो मैच में बीच में या स्टार्टिंग में भी प्लेयर्स सारे इकट्ठे होके ऐसे कंसल्ट करते हैं आपस में। ठीक है, तो सारे सिर से सिर मिला के हेड्स को टुगेदर करके क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, टीम के एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि हेड्स को टुगेदर पुट करना मतलब कंसल्ट करना, सीरियसली कंसल्ट करना। ठीक है, सो हमारा पुट हेड्स टुगेदर का मीनिंग हुआ सीरियसली कंसल्ट करना। सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, टू सोल्व द हेल्थ सेक्टर प्रॉब्लम्स ऑफ अवर कंट्री आवर लीडर्स नीड टू पुट देयर हेड्स टुगेदर। तो हमारे देश में जो हेल्थ की काफी समस्या है, तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे नेताओं को क्या करना होगा, सीरियसली कंसल्ट करना होगा। ठीक है, तो पुट हेड्स टुगेदर मीन्स टू कंसल्ट सीरियसली। ठीक है, आपस सीरियसली विचार करना। ठीक है, आगे चलते हैं, रेड टेपिज्म। तो रेड टेपिज्म जो हमारे पास आया है, वो आया है रेड टेप से। रेड टेप क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है सरकारी, ठीक है, या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उस पे ऐसे कुछ रेड टेप जो होती है उससे वो बाउंड होता है। ठीक है, आपने पहले देखा हो कि ऐसे कुछ जो रेड टेप से ऐसे कुछ बंधा हुआ होता है, जो कुछ लेटर वगैरह आते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आते हैं वो ऐसे रेड टेप से बंधे होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उस सिस्टम से काफी डिले होती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है कि ऑफिशियल डिले ड्यू टू, हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी में, ज्यादातर इसका ब्यूरोक्रेसी में यूज होता है। ठीक है, सो रेड टेपिज्म का मीनिंग क्या हुआ, ऑफिशियल डिले। ठीक है, रेड टेपिज्म इज ए बेन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो हम जहां भी जाते हैं, काफी कोर्ट में भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हमें बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, मतलब काम करना नहीं और डिले करे जाएंगे। तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो रेड टेपिज्म का हम शिकार हो रहे हैं। ठीक है, सो रेड टेपिज्म का हमारे पास मीनिंग हुआ ऑफिशियल डिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लाइव वायर। ठीक है, लाइव वायर, अब इसको समझने के लिए मैं बताऊं कि कोई वायर है जिसमें करंट है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि वो लाइव है। ठीक है, वो करंट, उसमें लाइव करंट चल रहा है। ठीक है, अगर करंट चल रहा है तो वो वायर कैसा होगा, एनर्जेटिक होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि लाइव वायर की जिसमें बिजली आ रही होगी वो वायर कैसा होगा, एनर्जेटिक होगा। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, इंडिया नीड्स लाइव वायर पॉलिटिकल लीडर्स, एनर्जेटिक लीडर्स चाहिए हमें, हु कैन पुट द कंट्री ऑन द राइट ट्रैक, जो कि हमारे कंट्री को राइट ट्रैक पर, सही रास्ते पर ले आए। ठीक है, तो हमारा लाइव वायर का मतलब क्या हुआ, एनर्जेटिक, यानी चुस्त, ना कि सुस्त, बाकी है तो सुस्ती। चलो आगे देखते हैं, मेक नाइदर हेड नॉर टेल। अगर हम टॉस करें, ठीक है, अगर हम टॉस करें और सिक्का खड़ा आ जाए, ठीक है, ना ना उसमें टेल आए और ना ही उसमें हेड आए, तो हम क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ना तो हेड आया ना टेल आया, तो हम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, सो नॉट टू अंडरस्टैंड, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, नॉट सर्टेन यानी इनडेफिनेट। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल है, आई कुड मेक नाइदर हेड नॉर टेल ऑन ऑन रफालेज डीलिंग्स। ठीक है, तो रफाले डीलिंग्स
के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत है, सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। तो मेक नाइदर हेड और टेल का मतलब क्या हुआ कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, यानी कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो ना हेड ना टेल, हम कंफ्यूज हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन द लर्च, ठीक है। तो लर्च का हमारे पास, लर्च का मीनिंग होता है, लर्च का मीनिंग हमारे पास होता है कि सडन मूवमेंट फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो भी है, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, मैं खड़ा और मेरा फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, और ये फ्रेंड मुझे धक्का देके यहाँ पे अगर छोड़ दे, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दे, अब मैं गिरता जाऊंगा गिरता जाऊंगा गिरता जाऊंगा। तो किस किस सिचुएशन में छोड़ दिया? लर्च का मतलब होता है लुढ़कना, ठीक है, हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है लुढ़कना। तो अब मुझे लुढ़कते हुए छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मुश्किल में छोड़ दिया। तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास एक्चुअल में भी, इन द लर्च मतलब टू लीव समवन इन डिफिकल्टी, यानी किसी को मुश्किल हालात में छोड़ देना, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल है यू मस्ट नेवर लीव योर बेस्ट फ्रेंड इन द लर्च। तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी भी डिफिकल्टी सिचुएशन में नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जॉन्डिस्ट आई। तो जॉन्डिस्ट आई आया हमारे पास, जॉन्डिस हमारे पास जो एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं पीलिया, ठीक है, पीलिया। तो इसमें क्या होता है कि हमें मतलब हम जब बीमार होते हैं तो हमें दूसरा इंसान अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो जॉन्डिस्ट आई हमारे पास क्या होता है कि एक तरह से इसको बोलते हैं कि डिसलाइकिंग समवन, ठीक है, यानी किसी को कुछ पसंद आना अनरीजनेबली बिना किसी वजह के, ठीक है। और प्रिजुडिस का मतलब भी क्या हुआ, तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, जॉन्डिस आई मतलब प्रिजुडिस, यानी पहले से ही उसको ये लग रहा है, पहले से ही उसको कोई पसंद नहीं होगा, तो क्या वो इस उस इंसान को कभी फेवर करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो जॉन्डिस आई का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि प्रिजुडिस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं दोज हु लुक एट अदर्स विद ए जॉन्डिस आई कैन नेवर बी हैप्पी। तो वो लोग कभी खुश नहीं रह सकते जो डिसलाइकिंग वे से किसी को देखेंगे, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास, प्रिजुडिस्ड या डिसलाइकिंग वे, ठीक है, डिसलाइकिंग समवन अनरीजनेबली, ठीक है। सो बिना किसी वजह के किसी को ना पसंद करना, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं इन कोल्ड ब्लड, ठीक है। अब हम जो बोलते हैं कि भाई ये तो मेरे से गुस्से गुस्से में हो गया, मतलब गर्म खून में हो गया, ठीक है। तो ठंडे खून में क्या हुआ, मतलब ठंडा खून है उस मतलब उस टाइम मतलब मैं होश में हूं, अगर गर्म खून में मैं होश में नहीं हूं तो ठंडे खून में मैं होश में हूं, इसका मतलब मैंने जो भी किया वो सोच समझ के किया, ठीक है। तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या हुआ कि डूइंग समथिंग डेलिबरेटली, कि कोई काम सोच समझ कर या जानबूझ कर करना, ठीक है, इंटेंशनली या डेलिबरेटली मतलब जानबूझ कर या सोच समझ के, ठीक है। तो यानी प्लैंड प्लान तरीके से, सो समथिंग डूइंग समथिंग डेलिबरेटली। सो इसका एग्जाम्पल है ही किल्ड हिज एनेमी इन कोल्ड ब्लड। तो उसने अपने एनेमी को डेलिबरेटली यानी जानबूझकर या इंटेंशनली मारा है, ठीक है। सो आगे देखते हैं कोल्ड ब्लड का मीनिंग क्या हुआ, डूइंग समथिंग डेलिबरेटली जानबूझकर कुछ करना, ठीक है, जानते हुए कि ये तुम क्या करने जा रहे हो उसके बाद भी वो करना, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब क्या हुआ, होल्ड वाटर को अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब है हमारे पास कि भाई दम नहीं है, ठीक है, हम बोल देते हैं कि कोई दम वाली बात नहीं है, दम वाली बात मतलब इट डज नॉट साउंड, यानी दम वाली बात नहीं है, ठीक है। सो भाई तेरी बात, जैसे कोई दो बंदे बात कर रहे हैं और बीच में एक बोल देता है भाई तेरी बात में कोई दम नहीं है, ठीक है। सो एग्जाम्पल हमारे पास है योर आर्ग्यूमेंट्स विल नॉट होल्ड वाटर इन द कोर्ट, इन द कोर्ट। तो तुम्हारी ये आर्ग्यूमेंट्स हैं ये कोर्ट में इनका कोई मतलब नहीं होगा, इनमें कोई दम वाली बात नहीं है, ठीक है। सो होल्डिंग वाटर मीन्स, होल्डिंग वाटर मीन्स साउंडिंग, यानी होल्ड वाटर मतलब कि उसमें दम वाली बात है, ठीक है, और नॉट होल्डिंग वाटर मीन्स मतलब उसमें कोई दम वाली बात नहीं है, यानी अगर मैं यार अगर किसी सीधी बात है कि अगर मैं अपने हाथ में, अगर अपने हाथ में पानी रोक सकता हूं तो दम वाली बात तो है ही, ठीक है।
सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। सो होल्डिंग वाटर मतलब भाई दम वाली बात है, ठीक है। सो योर आर्गूमेंट्स विल नॉट होल्ड वाटर इन द कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एट ए लॉस। एट ए लॉस का मीनिंग हमारे पास होता है कंफ्यूज, यानी परप्लेक्स्ड, ठीक है, कंफ्यूज और परप्लेक्स्ड। सो इसको इसको आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी लॉस में होगा, अगर कोई आदमी लॉस में होगा तो उसको ये समझ नहीं आएगा कि यार क्या बोलूं मैं, इसको क्या मैं कहूं लोगों को, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आप लॉस में है तो क्या कैसे है, कंफ्यूज है। तो आपका एट ए लॉस का मीनिंग हमारे पास क्या हुआ, कंफ्यूज और परप्लेक्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास, आई एम एट ए लॉस टू नो दैट हाउ कैन आई हेल्प यू, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी हेल्प कैसे करूं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, ठीक है। स्पर का मतलब क्या होता है, स्पर का मतलब होता है, स्पर का मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन यानी कोई चलता आदमी, कोई आदमी जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपको, आप पढ़ तो रहे ही हो, ठीक है, हमेशा पढ़ते हो, ठीक है। अगर आपको आपके माता पिता ये बोल दें कि भाई आप अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका सिलेक्शन होना है, आप बेहतरीन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, मोटिवेट करना हुआ, यानी वो आप तो पढ़ ही रहे थे, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, उससे क्या हुआ कि आपकी स्पीड बढ़ी, ठीक है, यानी आप में और हिम्मत आई, ठीक है। सो एट द स्पर ऑफ मोमेंट, यानी मोमेंट पर किसी को फॉरवर्ड करना, यानी मतलब टाइम पर करना, ठीक है, यानी बिना डिले के करना, मतलब सही टाइम पे उसको मोटिवेट, यानी फॉरवर्ड करना या मोटिवेट करना या स्पीड देना, कुछ भी आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। तो एट द स्पर ऑफ मोमेंट मतलब बिल्कुल ठीक समय पर, ठीक है, यानी ऑन टाइम विदाउट डिले, कोई डिले नहीं। व्हेन हिज ब्रदर मेट एन एक्सीडेंट, कि उसके भाई का जब एक्सीडेंट हुआ, ही रीच द स्पॉट एट द स्पर ऑफ मोमेंट, तो वो बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुंच गया, ठीक है, बिल्कुल डिले नहीं हुआ, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। नेक्स्ट देखते हैं, एट द स्पर ऑफ मोमेंट का क्या मतलब हुआ, टाइम पर, बिल्कुल टाइम पर। डॉग इन द मैनेजर, अब ये ऐसे लोग होते हैं जो जिनको खुद तो कुछ मिलना नहीं और औरों को कुछ मिले, तो वो ऐसा चाहते नहीं कि औरों को कुछ मिले, तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन से कुत्ते हैं। सो ये क्या है, पर्सन्स हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग दैट ही कैन नॉट, ठीक है। सो ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को भी एंजॉय नहीं करने देते, क्या, जो वो खुद एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। सो स्टॉप बीइंग सच ए डॉग इन द मैनेजर एंड लेट योर फ्रेंड राइड योर बाइसाइकिल, ठीक है। तो आप ऐसा पर्सन बनने से बनना बंद करो और अपने फ्रेंड को राइड करने दो। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोज सेव। क्लोज सेव का मीनिंग नैरो एस्केप, मतलब बिल्कुल बाल बाल बचना, ठीक है। तो बिल्कुल क्लोज से अगर आपके कुछ जाए तो उसका क्या मतलब हुआ कि आप बाल बाल बच गए, ठीक है। सो नैरो एस्केप, एस्केप बिल्कुल बाल बाल बचना। तो ही हैड ए क्लोज सेव विद ए कार वाइल क्रॉसिंग द नेशनल हाईवे, तो जब वो हाईवे पर जा रहा था तो वो एक कार से बिल्कुल बाल बाल बच गया, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, सो आज के लिए हमारे पास इतना ही, और आई होप वी हेल्प यू, और हमने ये एनोनिमस एसएससी हेल्पर्स यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, दिस इज कंप्लीटली फ्री, एंड फॉर मोर वीडियोस फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश एंड अदर सिलेबस ऑफ एग्जाम्स लाइक एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स, यू कैन सब्सक्राइब अस एंड लाइक अस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू, एंड सो मोटिवेट अस बाय लाइकिंग अस एंड सब्सक्राइबिंग अस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस एंड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।